दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। गणपुरक संख्या ना पुगला बाद आज सवेरे बुलाओल गई संवैधानिक परिषद के बैठक स्थगित, सदिया 5 बजे खातिर बैठक तय। ओली नेतृत्व के सरकार सत्ता में बैठल रहे के नैतिक आधार गंवावल, कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह के कहना सरकार असफल भइल दावी। रासायनिक मल खरीद करला सरकारी टोली आज बांग्लादेश जा रहल, G2G मार्फत मल खरीद खातिर समझौता करे के तैयारी। आ नेपाल सीधे T20 विश्वकप छनौट प्रक्रिया के ग्लोबल छनौट खेली सफल होकी त सन 2022 के विश्वकप में खेले के मिली। अब पूरा समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित ना भइला बाद आज सवेरे बोलाओल गई संवैधानिक परिषद के बैठक स्थगित भइल बा। प्रधानमंत्री एवं संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से बोलाओल बैठक में कोरोना पुगला बाद स्थगित भइल ह। बैठक आज संजिया 5 बजे खातिर बैठक के कहत स्थगित भइल बा। संविधान मुताबिक संवैधानिक परिषद में 6 सदस्य रही, प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहे वाला परिषद के सदस्य सब में प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, उपसभामुख आ विपक्षी दल के नेता रही। परिषद के बैठक में कोरम पुगे खातिर प्रधानमंत्री सहित 5 जने अनिवार्य उपस्थित होके परे के संवैधानिक व्यवस्था बा। अभिन प्रधानमंत्री सहित 5 जने ही परिषद में रहला से 1 जने भी हाजिर न हुई त बैठक बैठे के ना मिली। बैठक खातिर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता शेरबहादुर देवा पुगल रहने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, मानवाधिकार आयोग लगायत के विभिन्न संवैधानिक आयोग में 45 सीट में नियुक्ति करे पड़े के भइला बाद प्रधानमंत्री ओली परिषद के बैठक आह्वान कैले रहने। एतवार के बोलाओल बैठक में भी सभामुख सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता ना आइला बाद बैठक स्थगित भइल रहे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमुआंग पूर्वाधार के विकास से ही देश समृद्ध बने के बतौले बानी। सिराहा के जमदह लगड़ी गदियान सड़क शिलान्यास के क्रम में मंत्री नेमुआंग सड़क के चौड़ा पीच करत केंद्र से स्थानीय तह तक के विकास के जोड़ते ले जाए के बतौले बानी। सरकार हिमाल पहाड़ा तराई के विकास में समानता लियावत, सब क्षेत्र समुन्नत बने पड़े के नीति लेहल नेमुआंग के कहना बा। सड़क निर्माण के क्षेत्र से जुड़ल सब निकाय से तोकल समय में निर्माण संपन्न करेला समेत मंत्री नेमुआंग के निर्देशन बा। पुलहरू थप्नको निम्ति, निर्माण गर्नको निम्ति, यस्ता बाटाहरू बनाउनको निम्ति यहाँहरू तदारुकताको साथ राख्नु होला। त्यहाँनिर कुनै कन्सेसन हुँदैन। म यो निर्देशन दिन चाहन्छु मेरा मातहतका निकायका कार्यान्वयन गर्ने प्रमुखहरूलाई, म निर्माण व्यवसाय साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु यो ठाउँबाट यहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। जमदह लगड़ी गदियान सड़क 2079 में सम्पन्न करे के लक्ष्य लिहल गई बा। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह ओली नेतृत्व के सरकार सत्ता में बैठल रहे के नैतिक आधार गंवा चुकल बतौले बानी। आज सवेरे प्रेस यूनियन धनुषा से आयोजना कल पत्रकार सम्मेलन में सिंह ओली नेतृत्व के सरकार संपूर्ण मोर्चा में असफल भइल दावी कैनी। ओली नेतृत्व के सरकार कोरोना व्यवस्थापन, विधि के शासन स्थापना, विदेश नीति तथा आर्थिक समृद्धि लगायत के मोर्चा में असफल बनते गैल सिंह के दावी बा। तराई मधेसमा बस्ने किन नहोस्, आफ्नो चाहिँ जुन जीवन पद्धति जुन छ नि त्यो पद्धतिलाई सहज गर्नुको लागि त्यसमा अब सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार सबैले चाहिँ, स्थानीय सरकार सबै मिलेर जनताले चाहिँ कमसे कम दुःख हुने गरिकन त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ जुन जीविका सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने काममा यो सरकारले त्यो तिनै तहको सरकारले त हेर्नु पऱ्यो। सरकार लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के व्यवस्था करत देश में सर्वसत्तावाद लादे के खोजल सिंह के आरोप। हिंदू धर्मावलंबी के आस्था के केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर में आज क्षमा पूजा कल गई बा। कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण 9 महीना से बंद कैला से क्षमा पूजा कल गई पशुपति क्षेत्र विकास कोष जनौले बा। क्षमा पूजा खातिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आज सवेरे पशुपतिनाथ पुगल रहने। प्राचीन काल से नियमित रूप में पूजा होते आयत रहे लेकिन कोरोना के कारण बंद करला बाध्य भइला बाद क्षमा पूजा कैल गेल ह। आज क्षमा पूजा कैला बाद बिहान पुष 1 गते से पशुपति मंदिर सर्वसाधारण खातिर खोले लागल भी पशुपति क्षेत्र विकास कोष जनौले बा। पहिलका चरण में मंदिर के पश्चिम गेट से भक्तजन सबके प्रवेश करावल जाई त उहे गेट से ही बाहर निकले के व्यवस्था मिलावल गेल बा।
मंदिर प्रवेश करे वाला भक्तजन के अनिवार्य मास्क लगाओ के परी मंदिर भीतर होखे वाला विशेष पूजा भक्त भजन कीर्तन लगायत के क्रियाकलाप अभी शुरू ना होखे के जनावल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल और अमेरिका बीच व्यापार तथा लगानी समझौता परिषद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट काउंसिल टिफा के बैठक आज बैठ रहा बा। वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक में नेपाल के मिल रहा भंसार छूट सुविधा के उपयोग संबंधी विषय में छलफल होके के जनावल गई बा। 5 बरस पहले अमेरिका निर्यात खातिर 77 गो वस्तु में भंसार छूट दहल रहे ओकरे समीक्षा आ कार्यान्वयन खातिर 5वां टिफा बैठक होखे लागल हा। निर्यात छूट मिलल मध्य नेपाल से झोरा सूटकेस लगेज बैग प्रायोजन के उत्पादन फ्लोर कवरिंग के उत्पादन सॉल ब्लैंकेट विभिन्न रेशा के उत्पादन सिरपोश संबंधी वस्तु सब रहल बा। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केंद्र के मुताबिक आर्थिक वर्ष 2076-77 में अमेरिका में 9,44,43,86,000 रुपया बराबर के कुल निर्यात भैला पर भंसार छूट मार्फत 35,48,69,000 रुपया बराबर के वस्तु निर्यात भैलबा। वैसे ही आर्थिक वर्ष 2075-76 में अमेरिका में 10,84,88,62,000 रुपया के कुल निर्यात भैला से 68,48,18,000 रुपया के निर्यात भैल केंद्र के तथ्यांक बा। नेपाल आ अमेरिका बीच 2011 में टिफा में सही भैल रहे हरेक बरस फेराफेरी दुनू देश में बैठक बैठे के उपलब्धि समीक्षा समस्या समाधान करे के समझौता में उल्लेख बा। नेपाल वायु सेवा निगम 10 वर्ष से एकीकृत व्यवसायिक योजना तैयार करके संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में पेश कैले बा। घाटा में रहल निगम के व्यवसायिक रूप में सफल बनावे के उद्देश्य सहित 2021 से 2030 तक के व्यवसायिक योजना तैयार करके मंत्रालय में पेश कैल गई हा। योजना मुताबिक शुरू के 3 वर्ष नुकसान में ही रहला पर भी 2024 से नाफा में जाए के आ 2030 में 5,30,00,00,000 नाफा होके के प्रक्षेपण कैल गई बा। योजना मुताबिक 2021 में वार्षिक 23,76,00,00,000 खर्च होके के आ प्रत्येक वर्ष 9% से खर्च बढ़ोतरी होके के प्रक्षेपण कैल गई बा। आंतरिक उड़ान तरफ से सुधार खातिर भी काठमांडू नेपालगंज पोखरा विराटनगर के पहाड़ी क्षेत्र उड़ान के मुख्य आधार बना के उड़ान करे पड़े के प्रतिवेदन में उल्लेख बा। सरकार के 15वां पंचवर्षीय योजना सरकार के नीति तथा कार्यक्रम हवाई नीति 2063 पर्यटन मंत्रालय के प्रतिवेदन सुधार सुझाव समिति के सिफारिश आ पहले से तैयार भइल व्यवसायिक योजना के पुनरावलोकन के आधार बना के व्यवसायिक योजना तैयार कैल गेल हा। बांग्लादेश से रासायनिक मल खरीद करला सरकारी टोली आज बांग्लादेश जाए के भइल बा। नेपाल आ बांग्लादेश के सरकार बीच G2G मार्फत मल खरीद खातिर समझौता करेला नेपाली टोली बांग्लादेश जाए लागल हा। कृषि सामग्री कंपनी के प्रबंध निर्देशक नेत्र बहादुर भंडारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टोली बांग्लादेश जाए लागल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय जनौले बा। टोली बांग्लादेश सरकार के मल खरीद के प्रस्ताव बिहान पेश करके समझौता करे के मंत्रालय जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। अगहन महीना नेपाल में गहूँ खेती के सीजन हुए किसान सब ये बेरा गहूँ खेती करे में व्यस्त बाटे लेकिन समय में ही मल आ बीया ना मिला से किसान सब सोचे मुताबिक उत्पादन करे नहीं के सकल। रूपंदेही के भैरहवा में रहल राष्ट्रीय गहूँ बाली अनुसंधान कार्यक्रम के मुताबिक नेपाल में किसान सब के प्राविधिक ज्ञान ना भइला से गहूँ उत्पादन में सोचे मुताबिक बढ़ोतरी होके नहीं के सकल। गहूँ बाली अनुसंधान अभी तक ले 44 जात के बीया अनुसंधान कैले बा। किसान सब नया जात के गहूँ खेती कैला पर भी उत्पादन बढ़ावे नहीं के सकल। यस्तो छ माटोमा हाम्रो चाहिँ नि अब अहिले अर्ग्यानिक मेटर कम भइरहेको जस्तो लाग्छ किनकि गाई गोरुको त्यति मलको अलिकति ध्यान लिएको छैन के छैन अनि हाम्रो यो यहाँ परालहरू पनि त्यही डिकम्पोज हुने छैन टाइमै छैन त्यो अब धान काटेर हतार हतार फरिहाल्नुपर्छ अब सकिन्छ भने गोबरमा हाल्दा राम्रो नै हुन्छ यदि सकिन्न भने पनि त्यो रासायनिक मल पनि आफ्नो तरिकाले जति मलाई त्यति हालेर चाहिँ उत्पादन हुँदैन। गहूँ बाली कार्यक्रम मुताबिक गहूँ के खेती कैला पर शुरू में खेत में 20 से लेके 30 सेंटीमीटर गहिर करके 2-3 बेर जोत के माटी धुरा करे के हलोड़ करे परे के 3 किलो DAP 2.5 किलो यूरिया और 2 किलो पोटाश प्रति कठा दर से अंतिम जोताई के समय में प्रयोग करे परे के गहूँ के बिया प्रति कठा के दर से 4 किलो रोपे परे के विधि बा। तैयार कैल खेत में गहूँ के बिया डोरी के सहायता से 20-20 सेंटीमीटर के दूरी में लगावल जाला। अब उन्नत जात मल खादको व्यवस्थापन राम्रो गर्यो भने किसानले लगाइरहेको भन्दा 20% चाहिँ उत्पादन बढी हुन्छ
बढी भएको पाइएछ। जस्तो हामी फिल्डमा गएर पनि करपकट गरेर किसानको करपकट गर्छौँ, हामीले लगाएको ट्रायल एफएलडीको करपकट गर्छौँ र किसानलाई नै देखाउँछ तपाईँले लगाउँदा यति भयो, हामीले लगाएको यति भयो। जोताई, गहुँ के जात छनोट, बिया और मल के मात्रा और उचित सिंचाई के व्यवस्था से निमन उत्पादन हो सके के किसान के अनुभव बा। सिकिसकेपछि यहाँको हिसाबले गर्दाखेरि दानामा पनि आकर्षक देखिन्छ क्या, त्यहाँभन्दा लाइटमा आउँछ अनि त्यसलाई बिउको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यसलाई त बिउको रूपमा प्रयोग गर्न असम्भव छ, त्यो छैन। त्यसको जुन गुण हुन्छ बिउको त्यो हराइरहेछ, त्यो पहिलाको प्रविधिले प्रयोग गर्दाखेरि। अनि दानामा पनि ऊ देखिन्छ अनि यहाँको लगानी कम आउँछ, त्यताको लगानी धेरै थियो, अब लगानी कम अनि उत्पादन लगभग उस्तै उस्तै हो। राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम से ई बरस जिंक और आयरन के मात्रा ज्यादा होखे होला दुगो जात के गहुँ के बिया अनुसन्धान करके सिफारिश कैले बा। नेपाल में 7,03,000 हेक्टर में होखे होला गहुँ खेती से वार्षिक रूप में 20,00,000 मेट्रिक टन उत्पादन होखेला। रूपंदेही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी अस्ट्रेलियामा सन् 2022 होखे होला टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौट प्रक्रियामा नेपाल ग्लोबल छनौटमा प्रतिस्पर्धा गरेके भइल बा। आइसिसी सोमबारको छनौट प्रक्रिया सार्वजनिक गरत नेपाल सहित युएई, सिङ्गापुर, जिम्बाब्वे के सिधे ग्लोबल छनौटमा स्थान देहले बा। फेब्रुअरी आ मे 2022 होखे होला ग्लोबल छनौटमा सफल हो कि त नेपाल के सन् 2022 अक्टोबरमा होखे होला विश्वकपमा खेलेके मिले। ग्लोबल छनौट में कुल 4 टोली विश्वकप में स्थान बनाई। ग्लोबल छनौट में कुल 16 टीम खेली। छनौट प्रक्रिया 13 महीना चलिया, कुल 225 गो खेल होखी। विश्व वरीयता में निमन स्थान बनौला बाद आईसीसी नेपाल के सीधे ग्लोबल छनौट में स्थान देलख। अंतिम प्रमुख समाचार फिर एकबेर। गणपुरक संख्या नापुग्ला बाद आज सवेरे बोलाओल गईल संवैधानिक परिषद के बैठक स्थगित, सधिया 5 बजे खातिर बैठक तय। ओली नेतृत्व के सरकार सत्ता में बैठ रहे के नैतिक आधार गंवावल, कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह के कहना सरकार असफल भइल दावी। रासायनिक मल खरीद प्रक्रिया, सरकारी टोली आज बांग्लादेश जा रहल, G2G मार्फत मल खरीद खातिर समझौता करे के तैयारी। अमेरिका में कोविड 19 विरुद्ध के खोप लगाओ के शुरू, आए वाला बरस के अप्रैल तक 10,00,000 के खोप लगाओ के लक्ष्य। आ नेपाल सीधे T20 विश्वकप छनौट प्रक्रिया में ग्लोबल छनौट खेली सफल हो कि त सन् 2022 के विश्वकप में खेले के मिले। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता, प्रणाम।